जी नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रंजनी सांडिल्य और आप देख रहे हैं पाठक की नज़र से। शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर सड़क किनारे लगे वाहनों का कटा चलान, लाखों रुपए की राजस्व की गई वसूली। छपरा जिला परिवहन विभाग के मोटर यान निरीक्षक संतोष कुमार एवं यातायात प्रभारी के संयुक्त अभियान चलाकर आज शहर के विभिन्न चौक चौराहों सहित डीएम सभागार परिसर में भी खड़े अवैध वाहनों का चलान काटा गया, जिसमें लाखों रुपए की राजस्व की वसूली की गई। वहीं सड़क किनारे खड़े वाहन मालिकों ने कहा कि सड़क में पार्किंग की व्यवस्था नहीं होने की वजह से गाड़ियां सड़क किनारे खड़ी करनी पड़ती हैं। वहीं इस संदर्भ में यातायात प्रभारी ने बताया कि शहर के विभिन्न जगहों पर पार्किंग की भी व्यवस्था की गई है, जहां पार्किंग के लिए पर्याप्त जगह भी है, लेकिन लोगों की मनमानी की वजह से शहर में आए दिन जाम की समस्याएँ बनी रहती है। हालांकि आगामी 17 तारीख से बिहार बोर्ड की होने वाली परीक्षा को देखते हुए इस तरह का अभियान चलाया गया है, क्योंकि बोर्ड परीक्षा में शहर में लाखों की संख्या में छात्र छात्रा एवं उनके अभिभावकों के आने की प्रबल संभावनाएं हैं। एक तो शहर पहले से डबल डेकर की मार झेल रहा है, वहीं जगह जगह गड्ढे खोद दिए जाने के कारण आवागमन बाधित हो चुका है, जिसके वजह से कई ऐसी रास्ते हैं जहां आने जाने का रास्ता पुल निर्माण के द्वारा लगभग बंद कर दिया गया है। ऐसी स्थिति में बोर्ड परीक्षा में आने वाले छात्र छात्राओं की भीड़ इतनी बढ़ जाएगी, जिसको लेकर यातायात व्यवस्था बिगड़ने की अधिक संभावनाएँ बनी रहती हैं। वहीं पहले से इस तरह के अभियान चलाकर लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है, ताकि आने वाले बोर्ड परीक्षा में अधिक मात्रा में भीड़ होने की संभावनाओं को देखते हुए लोग यत्र तत्र गाड़ियां खड़ी न करें, जिसकी वजह से जाम लगती है। पार्किंग कोई है नहीं, पार्किंग होगा तब ना पार्किंग में लगाएंगे। अब पार्किंग में कहाँ लगाए, अब कुछ सामान ले जाना है, अभी अभी लगा के अभी गया हूँ, अभी फोटो खींच के चले गए। इन्होंने ये भी बताया क्या है, कह रहे सीधा ये चलान घर पे भेजेंगे। तो ये घर पे भेजेंगे तो हम भरेंगे थोड़ा ना, हम जाके हम इनके केस करेंगे कि पार्किंग दे, उसके बाद हम फाइन भरेंगे अगर पार्किंग के बाहर लगाएंगे। अभी पार्किंग है कोई आजू बाजू, एक गाड़ी लगाने तक का जगह नहीं है, हम कहाँ जाएँ। मार्केट में कम से कम एक तो पार्किंग होना चाहिए ना बढ़िया सा। क्या नाम है आपका? हिमांशु। आसपास सब जो गाड़ी वाले लोग हैं अवैध पार्किंग को खड़ा करके गाड़ी को रखते हैं, जिससे ट्रैफिक का परिचालन में बहुत परेशानी होती है, जाम की स्थिति बनी रहती है, उसको लेकर नो पार्किंग का लोगों को चलान दिया गया है। परीक्षा भी चल रहा है, फिर 16-17 तारीख से मैट्रिक की परीक्षा है। परीक्षा तो एक्सेप्शनल काम होता है, हर साल होता है, उसमें रस बढ़ जाता है और सही है, लेकिन नो पार्किंग में गाड़ी जो खड़ा करेंगे उनको कलेक्टिव कैंपस के आसपास तो हम लोग नहीं, बाहर की अगर बात करें सर, कार्रवाई किया जा रहा है सारे को। हम लोग कितनी ऐसी गाड़ी है जिन पे आज चालान काटा गया? 60-70 गाड़ी हो गई सर। आम पब्लिकों के साथ थोड़ा सा ये मांग है कि अगर
कहीं भी पार्किंग स्थल हो, रोड तो नहीं हो सकता है पार्किंग स्थल। उन लोगों की सर ये मांग है कि एक बार सूचना जारी कर दी जाए ताकि कहाँ पर पार्किंग स्थल पर गाड़ी की क्या जरूरत है कि रोड पार्किंग स्थल नहीं है। वहाँ जो पीछे में प्रतापगंज हाउस के पीछे जो एरिया है वहाँ पार्किंग चिन्हित किया हुआ है जी। जैसे कि कुछ लोगों ने कहा कि पार्किंग का पता नहीं है, पार्किंग कहाँ है? पार्किंग तो बाजार का इधर जिला परिषद का क्षेत्र है, वहाँ पार्किंग स्थल बनाया गया है। पार्किंग है तो किन गाड़ियों का चालान काटा गया है? फोर व्हीलर टू व्हीलर सारे लोगों को काटा गया। इस तरह का अभियान लगातार चलता रहेगा। आने वाले दो चार दिन के बाद एग्जाम है, मैट्रिक की परीक्षा है, उसमें काफ़ी भीड़ होने की संभावना है, ऐसे में क्या तैयारी है ट्रैफिक पुलिस की तरफ से? हम लोग पूरी तरह से तैयारी कर रहे हैं। जिस तरह से इंटर का परीक्षा शांतिपूर्ण निकल गया है उस तरह से वो भी हम लोग कर रहे हैं।